हेलो, अरे केशव पानी आ रहा है क्या? नहीं आया। नहीं आया? थोड़ा ही थोड़ा टपक रहा है यार। टपक रहा है। कब आएगा यार, मालूम ही नहीं है। हेलो, कौन? अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? यार आपसे 2 मिनट चाहिए, वाटर टैब में पानी ही नहीं आ रहा है। एक सेकंड, प्लम्बर को कॉल। प्लम्बर करेगा यहाँ, क्यों कॉल कर रहा? क्यों उन लोग को दिक्कत दो यार, इंसान सडम से भी पानी पानी होता है। दो शब्द कुछ जो दिक्कत दे रहा है, दो शब्द कुछ बोल दो जिससे मेरे को सडम आए और पानी पानी है। केशव पानी आया? भैया नहीं आया, जल्दी भेजो। हेलो, केशव अंदर फंसा है ना शौचालय में। अबे टट्टी करने गया क्या वो? हाँ, 2 दिन से पानी नहीं आया, सडम से पानी पानी हो जाएगा तो अंदर से बाहर आ जाएगा। जाके साफ कर देना। मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप कुछ दो शब्द बोल दोगे जिससे मुझे सडम आ जाए। तेरे को इतनी गालियाँ देती, तेरे को शर्म नहीं आती? उसमें तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर वालों। मुझे क्यों शर्म आएगी? जो गंदी बात बोलते हैं सडम, उसको आनी चाहिए। प्लीज कुछ बोल दो जिससे, प्लीज एक बात। आगे चल, तेरे को एक कहानी सुनाता। हाँ सुनाइए। सडम आएगी ना इससे? हाँ बिल्कुल शर्म आएगी, तेरे को बहुत शर्म। करिए। केशव भैया आया पानी? नहीं आया। अरे केशव से बोल थोड़ी देर और रुक जा, 2 दिन से हजरा तो थोड़ी देर। अच्छा जल्दी बताइए, अब मान ले तेरी शादी होगी, ठीक है? एक सेकंड, थोड़ा सडम तो आ ही गया। भैया आ रहा है पानी, आ जाए। वाओ, शादी शादी की बात से ही पानी आ जाए सडम। अब तो और आगे सुन ले, अभी और पानी आएगा। बराती आए, बराती चले गए, और तू बैठा अपने रूम पे। दूल्हन का दूध का गिलास दिया तेरे को दूल्हन ने। दूध का गिलास, ठीक है? ठीक है, दूध पिया तूने, ठीक है? उसके बाद तूने लाइट ऑफ कर दिया। एक सेकंड, ये तो बाढ़ आ रही है। आगे क्या हुआ, जल्दी बोल। धीरे से दुल्हन के पास जाके तूने उसकी घूंघट उठाई। घूंघट उठाई? तूने देखा वो दुल्हन की जगह दूल्हा है, लौंडा है। हाँ, ये क्या कहानी हुई? कोई कहानी है? तो चला गया पानी? पानी आया ना, थोड़ा बहुत आया होगा। थोड़ा बहुत आया। बस गाड़ी बस करो, बाढ़ आ जाएगी तुम्हारे घर में, इतना शर्मिंदा हो जाएंगे। डूब जा। पानी आया? नहीं आया। ये ले 2 बूंद गंदगी की, सॉरी। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं? हाँ बताइए, किस लिए बात करनी? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में अंदर, दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, शरीर के अंदर का दुश्मन मैं बताता हूँ, इतना ज्यादा गुस्सा। मुझे बता मेरे से क्या काम है? आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है तो उसको 20वें फ्लोर पर, 25वें फ्लोर पर, इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए, क्यों? अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा, हाँ, और थोड़ा हेल्दी हुआ, हाँ, तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? एक मिनट मेरे साले, एक बात बता तू। हाँ? मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे के लग रही है? मेरी बात तो सुनो, वही तो बोले ना, हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न जाए, जान न जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब? तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा, हाँ। और सपोज आदमी नया नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा, मेरी बात सुनी। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं, तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा, एक मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए, अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा, उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ साथ दिवाली बनाएंगे, उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम, हाँ, हाँ। तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार बता, तू बता दिला, मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो? सुबह देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। सुबह सुबह कोई काम नहीं आता, जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई, एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। हाँ।
93.5 FM बहुआ बल्लो बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ। इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, थोड़ी मदद तो चाहिए। तो फिर सर मैं बात करके जिताऊंगा वर्ल्ड कप? बात उसकी नहीं है, देखो बातों से जोश पैदा होता है, जोश से इंसान का होश तगड़ा होता है। टीम पागल है क्या? नहीं मैं बहुआ हूँ। बहुआ तो फिर टीम इंडिया को जोश की जरूरत है, जोश शब्दों से पैदा होता है। अगर आप शब्द अच्छे लिखकर मैसेज भेजेंगे वहाँ टीम सुनेगी, खुश हो जाएगी, मैच जीत जाएगी। भाई साहब मैं क्या करूँगा, मैं लाइनें लिख रहा हूँ, एक लेटर भेजूंगा, सोशल मीडिया पे वायरल कराएंगे। आधी लाइनें अच्छा। लिख चुका हूँ, आधी लाइनें जनता से ले रहा हूँ। अच्छा, जैसे देखो एक लाइन लिखा, इसको कम्प्लीट करो कि बोल, जब बोल। जब कोहली को गुस्सा आता है अच्छा, तो वो दूसरी टीम की देता है, यही करता है और क्या करता है वो। गलत नहीं बोल रहा है भाई साहब, थोड़ा वेजिटेरियन बोलिए जो लिख के भेजा जा सके। भाई जो चीज कोहली, तूने बोला कोहली क्या करेगा, कोहली यही करेगा। क्या करेगा? मारेगा उनकी और क्या करेगा। छोड़िए लिख ले, ऐसी तैसी कर देगा, ऐसी तैसी कर देगा। तो मतलब भाई जब कोहली को गुस्सा आता है तो सामने वाली टीम की ऐसी तैसी कर देता है। अगला मैं लिख रहा हूँ, अगर इस मैच में भी रोहित शर्मा दोबारा चले गया तो ऑस्ट्रेलिया की फट जाएगी। फिर आप वही कट रहे जो आपको नहीं कट रहा है। अरे भाई जो असल में होगा वही बताऊंगा ना तेरे को। लगता है अलग बैठे हैं, माँ बाप के सामने इसी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या भाई साहब? आराम से बात करो। गले तो मत ना बोल, फोन में घुस के मारूंगा, नहीं खड़ा हो जाऊंगा फिर वापस इधर आ जाऊंगा। तुझे जिस काम के लिए फोन करा, कराने नहीं करा। चलो ये लिख दिया एक मिनट, रोहित शर्मा अगर इस मैच में चल गया तो ऑस्ट्रेलिया की हार पक्की है, हार पक्की। चलो ये लिख देता हूँ, आपने तो गलत बोल दिया। बुमराह पे आते हैं, बॉलिंग अटैक शुड बी फाइन ऑलवेज बिकॉज द बॉलिंग अटैक इज द की बिकॉज द इंग्लैंड विकेट्स आर फास्ट एंड पेसी। समझ तो आया नहीं तेरे को हिंदी माध्यम? अरे तू के साले तेरे से ज्यादा इंग्लिश आती आई बस हमें खाली नहीं। हिंदी में क्या प्रॉब्लम है फिर? अंग्रेजी नहीं आती? नहीं आती भाई साहब। अरे जला जा बहन, सॉरी बुमराह का इसकी बॉल पर, बुमराह की बॉल पर डेविड वार्नर तो क्या नहीं कर पाएगा, खा सकता भाई वो। झूठा आदमी। एक आखिरी सुन, धोनी पे बात करते हैं कि मैच जीतने के बाद धोनी क्या करता है ना, स्टंप उखाड़ देता है, और जब वो विकेट उखाड़ेगा तो वो विकेट ऑस्ट्रेलिया घुसा देगा टीम की, और क्या करेगा, पॉइंटिंग की घुसा देगा। पॉइंटिंग होता है क्या? पॉइंटिंग खेल रहा है क्या गरीब इंसान? अरे तो पॉइंटिंग कोच तो है ना उनका। अबे पॉइंटिंग होता है पॉइंटिंग, पॉइंटिंग पॉइंटिंग पेन है मेरे पास। अरे के चलाया क्यों मार खाया, क्या करूँ इस पेन का? तू ना ऐसा कर, मेरे को मालूम है क्या गलत आदमी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, फोन काट दिया, ची ची बोल रहा है। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहन में अगर ये बात ताज़ा हो तो हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बहुआ अनोश वर्मा आने की कोशिश कर रहा था। तो वही है ना जो दिन पहले भी फोन किया था। आप ये गलत अगर लफ्ज़ों का उस पर काबू नहीं रखेंगे तो बराए मेहरबानी मुझे मुफीद हुकूमत पाकिस्तान के जालिम अक्सर बेपनाह फोन कैसे करा तूने? आप लोगों ने कल मैच हमारे साथ जो खेला है, एक बात होगा मैच में दोनों टीमें जीतती हैं क्या, एक तो हारती है ना? हाँ, तो हमने थोड़ी कहा, हम तो वही कह रहे ना, आपने एक अहम टॉस जीता है, सिक्का अपने घर ले गए हैं, उस एक्स्ट्रा आमदनी हुई है जिससे आपकी मौजमी पैदावार बढ़ी है, जीडीपी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सिखाने के लिए फोन को तू, आप अगर गलत लफ्जों पर काबू नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मुसलसल मैचों को मुकर्रर करने की जो कोशिश की जा रही है जनाब, एक मालूमात के तहत आपको मैं तालिब अक्सर कह सकता हूँ। तालिब अक्सर? हेलो, मेरे लफ्ज पर काबू करने की कोशिश ना करें, आप वो समझें जो आपको एक्चुअली समझना है। इसके अलावा मैं आपको हमारे ओपनर्स को आपने ज्यादा देर तक पिच पे रहने दिया जिसकी वजह से कोहली, आपने हमारे ओपनर्स को इतनी देर तक आउट नहीं होने दिया जिसकी वजह से कोहली देर आया और वो सेंचुरी नहीं मार पाया, ये आपके अचीवमेंट में से एक है माशाल्लाह। देखिए आप सारे बल्लेबाजों को बैटिंग मिली है, हमारे तो तीन चार ही खेल पाए, ये भी एक हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा दौर है। बड़ा मेहरबानी लफ्जों पर काबू रखें वरना मैं वो फेंक के मारूंगा जिससे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। इतने अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों से मदद नहीं मांगी, शिकस्त तो हुई है लेकिन अपने बलबूते पर शिकस्त खाई है। माय गॉड।
जालिम मुफीद मुरीद मतलूबे बड़ा मेहरबानी लफ्जों पर काबू। और मैं यही कह रहा था जहाँ बहाल मस्ती मकुंद रंजिस बहाल हिजरा में सारे दिया 90। हेलो कौन जी? भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, कई लोगों से करनी है, पूरे जहान से करनी है, पर कुछ लोग एटीट्यूड फेंकते हैं। आप जैसे कई लोग कम होते हैं जो बात उठ के फोन उठा के बात सुनते हैं। क्या बात करनी भाई? चलो, मैं कह रहा था कि इंडिया इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, अलग अलग जगह है हमारे। अभी दिल्ली के बगल में ही ले लो, मथुरा आगरा। मेरी बकवास सुनने का इतना टाइम नहीं है, काम क्या है, किसलिए कॉल करा है ये बता। सॉरी, मैं गंदा मत बोलिए। मैं कह रहा था सपोज दिल्ली के अगल बगल घूमने को इतना कुछ है, जैसे सपोज मथुरा। हाँ, कोई मथुरा जाते तो हम उससे क्या मंगवाते? पेठा मंगवाते हैं। पेठा नहीं, पेढ़ा। पेठा कहीं और से, पेठा कहाँ से मंगाते हैं? आगरा से पेठा, मथुरा से पेढ़ा। हैदराबाद कोई जाता तो हम कहते हैं मसाला ले आना बिरयानी का, है कि नहीं? तू बोलता होगा। हाँ, आगे। और अगर आप लखनऊ जाओ तो लोग कहते हैं कबाब ले आ सको तो कबाब लाना। हाँ, तो ठीक है, वहाँ फेमस है तो भाई। फेमस है तो यही प्रॉब्लम है, आप लोग ने फेमस के चक्कर में ना टूरिज्म को बर्बाद किया है। अबे टूरिज्म कहाँ से बर्बाद होगा? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मथुरा से आपके लिए पेड़ा लाएगा तो आप मथुरा क्यों जाओगे? मथुरा क्यों जाएंगे भाई? कोई जाए यहीं एक से नहीं, यहाँ आके आप पेड़ा खा लेते हो। अगर कोई नहीं लाता आपके लिए तो आप झक मार के मथुरा जाते पेड़ा खाने। हाँ, पेठा आप आगरा से मंगवा लेते हो। अगर कोई बोलता जा मैं नहीं ला रहा, जा मैं नहीं ला रहा पेठा, आप मेरे से बोलो कि पेठा लेते हैं ना, बोलो एक बार पेठा लेते आइयो भैया, मैं नहीं ला रहा, जाके मुंह उठा के वहीं जाके खा लेना। तब फोन करके देगा, अब तेरी जली ना, जली ना तेरी, काम धंधा है। अब तू खुद जग मार के आगरा जाएगा, पेठा खाएगा, मैं नहीं ला रहा तेरे लिए पेठा। भाग, गलत बोल रहे। देखो मैं तो बात कह रहा था, आप मना करोगे तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीजें खाएंगे, घूमेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा है। तो फिर इस तरीके से तो दिल्ली में तो हेलो। हाँ बोल बोल। दिल्ली में क्या फेमस है जो आप किसी को खिलाना चाहोगे? डंडा फेमस है भाई दिल्ली में। डंडा मतलब क्या करेंगे आप डंडे का? डंडे का समझ ले भैया, डंडा कहाँ जाता, पीछे जाता डंडा, मतलब पीठ पे मारेंगे डंडे से? पीठ पे नहीं, पीठ से नीचे। अच्छा, कमर पे डंडे से आप मारेंगे? कमर से भी नीचे भैया। अच्छा, जांघों पे आप डंडा घुमा देंगे? अब जांघों के ऊपर भी तो कुछ आता है। अच्छा, कमर पे आप डंडे से मारेंगे फिर से? ठीक है, गांव के बीच ही होते हैं। गलत आदमी, हमारे यहाँ तो इससे कपड़ा फैलाते हैं, बस कपड़ा फैला ले अपनी। गलत आदमी। ची ची, इतना बोला इन्होंने 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे एक मिनट चाहिए। क्या मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा, क्या? सॉरी, बच्चों का रिजल्ट जो होता है गर्मी में ही क्यों आता है भाई साहब? हेलो, मेरे बच्चे बच्चे नहीं है, बता क्या? नहीं, आपसे बोल नहीं था, मैं कह रहा हूँ बच्चों का जो रिजल्ट होता है वो गर्मी में क्यों आता है, ये मैं सोच रहा था, मेरे को फाइनली इसका पता चल गया। मेरे को क्या करना है शायद कहीं आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताइए गर्मी में क्यों आता है, अगर आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप बेवकूफ साउंड करोगे भाई साहब। बता दे, मैं बता रहा था ये कि गर्मी में होता है पसीना भाई साहब। हाँ आता है, बता। पसीने में नमक होता है, नमक तो टूथपेस्ट में भी होता है। हाँ होता है, बता। टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। अबे टूथपेस्ट से रिजल्ट का क्या मतलब? बता रहा हूँ ना, टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। हाँ, सुबह इंसान एक और चीज करता है, क्या? टट्टी करता है। हाँ करता है, उसको करने से पेट साफ होता है, और इंसान का अगर पेट साफ होगा तो दिमाग साफ होगा और कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, बुखार नहीं होगा, बुखार नहीं होगा तो इंसान दही खा सकता है, वरना बुखार में दही नहीं खा पाएगा, और फिर दही खा के जब जाएगा तो पेपर अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बस रिजल्ट गर्मी में दही खाओ। अरे बावले, इतना बता दिया तेरे रिजल्ट के चक्कर में दही बना के रख दी। ऐसा वैसा मत बोलिए, गलत नहीं, बावली खाड़ी बावली है, ठीक है? गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो, नमस्ते।